भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि कई बार पेपरों में रिपीट हो चुके हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो दोस्तों हाथों से लिखा हुआ देखकर वीडियो में छोड़ना, 2-3 मिनट में लगभग मैं आपको सारे 30 क्वेश्चन करा दूंगा। एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्वेश्चन सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन है, श्री पेराम्बटूर जो है वो किसका जन्म स्थल है? तो वो है श्री रामानुजाचार्य का। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? क्या? कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा तो वो थे कनिष्क। नेक्स्ट है, बौद्धों के जो पवित्र अवशेष पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार जो संरचना होती है उसे स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो वो था गयासुद्दीन बलबन। कौन? गयासुद्दीन बलबन या गयासुद्दीन बलबन, जो आप उच्चारण करो। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। किसने? वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहते हैं? बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आ चुका है। भारत का तोता कहते हैं दोस्तों अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, वर्तमान दौलताबाद जो है, वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था दोस्तों? दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। मतलब राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने स्थानांतरित किया था दौलताबाद में। किसके समीप स्थित है? मतलब ये दौलताबाद जो है वो किसके समीप है? तो वो है दोस्तों औरंगाबाद के। किसके समीप है? औरंगाबाद के समीप स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आप सभी को पता है बाबर था। कौन था? बाबर। ये तो सबको लगभग सबको पता है। क्वेश्चन दोस्तों वही है जो कि बार बार रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन अपने को गलत नहीं करना है, क्योंकि आसान क्वेश्चन दोस्तों ये लगभग हर एग्जाम में 10-15 सवाल ऐसे आते हैं जो कि कई बार रिपीट हो चुके हैं और सबको आंसर पता होता है। नेक्स्ट, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो वो था लाला हरदयाल। कई बार आ चुका है लाला हरदयाल। क्या? गदर पार्टी का संस्थापक। नेक्स्ट है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़िया प्रश्न है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने पालन किया था, मतलब पारित किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। नेक्स्ट है दोस्तों, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? मतलब वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उसका कालीकट में भव्य स्वागत किसने किया था? वो किया था दोस्तों जेमोरीन ने। किसने? जेमोरीन ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी अहिंसा के माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? तो वो की थी 1930 में। कब? 1930 में। नेक्स्ट है, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कई परीक्षा में पूछा गया 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, उपनिवेशी भारत। कौन सा भारत? उपनिवेशी भारत। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था, उपनिवेश भारत में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की है? तो दोस्तों अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था जो है वो बी.आर. अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या की आयोजित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रगान पहली बार आप सभी को पता है 1911 में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पर खाली जगह दी गई है, में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। तो ये दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था भारत का राष्ट्रगान, ठीक है, कलकत्ता में। नेक्स्ट है, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्याग्रह का शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत किसके वायसराय के काल में स्वतंत्र हुआ? तो दोस्तों भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है उन्हीं के काल में भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। किसने? विवेकानंद ने। विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति दोस्तों 1917 में हुई थी। कब? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैदिक लोगों का मुख्य व्यवसाय, वैदिक लोगों को दोस्तों कृषि के अलावा कोई व्यवसाय नहीं था, तो कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल क्या था? दोस्तों पूरा पाषाण काल था। क्या था? पूरा पाषाण काल जो है वो मानव अस्तित्व का प्रारंभिक काल था। नेक्स्ट है, सार्थवाह कौन थे? सार्थवाह दोस्तों एक कारवां नेता थे। कौन थे? कारवां नेता थे सार्थवाह। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किस स्थान से शुरू किया था? तो वो किया था दोस्तों खेड़ा से। कहाँ से? खेड़ा से शुरू किया था महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह।
नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शक्तियों का पृथकीकरण यानी कि शक्तियों को अलग अलग बांटने की जो विचारधारा है वो किस दार्शनिक ने दी थी, तो वो दी थी दोस्तों मोंटेस्क्यू ने। किसने? मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट है मगध के राजवंशों का काल क्रमानुसार है, तो दोस्तों ये सभी चार ऑप्शन में थे, इनको व्यवस्थित करने का जो दिया गया था प्रश्न, ठीक है, तो ये व्यवस्थित क्रम ही लिखा है मैंने सीधा। सबसे पहले थे हरियंक, सबसे पहले राजवंश कौन था हरियंक, बाद में शिशुनाग, बाद में मौर्य और बाद में नंद। नेक्स्ट है दोस्तों सूफी परंपरा में पीर शब्द का तात्पर्य है, तो वो है दोस्तों सूफियों का गुरु, पीर का अर्थ है सूफियों का गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई, दोस्तों काफी बार प्रश्न पूछा गया है खालसा पंथ की स्थापना किसने की है, तो वो किए गुरु गोविंद सिंह ने, और कब किए तो 1699 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों केप ऑफ गुड क्या है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की, अभी हमने देखा था ये एक ही परीक्षा में दो बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की है, तो वो किए दोस्तों वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और लास्ट जो आज का क्वेश्चन है दोस्तों वो है 12 अप्रैल 1944 को, क्या 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था, किसका झंडा? भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा सुभाष चंद्र बोस ने 12 अप्रैल 1944 को फहराया था, तो वह इस नगर जो है वो इस समय यानी कि वर्तमान में है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वो है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में। तो दोस्तों आपको भी पता है एक वीडियो में अपन सारे क्वेश्चन तो नहीं ले सकते, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हैं मेरे पास, तो दोस्तों पिछले पेपर में आए हुए प्रश्न और जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी अगर PDF आप जान देखना चाहते हो तो दोस्तों Apple Study Telegram चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।